है कैसे मनाई जाएगी, कब मनाई जाएगी, क्या? देखिए जन्माष्टमी जो है वो इस वर्ष दो प्रकार की हो गई है, दो दिन हो गई है, 26 और 27। 26 को स्मार्तानाम और 27 को वैष्णवानाम, इसलिए 27 को ही ये जन्माष्टमी रामलला की यहाँ मनाई जाएगी, रामलला की। और उसी प्रकार से धूमधाम से मनाई जाती, बड़े भव्य दिव्य रूप से मनाई जाती है, जैसे भगवान राम के जन्मस्थली और भगवान राम की नवमी मनाई जाती है, वैसे भगवान कृष्ण का भी जन्म उत्सव बड़े दिव्यता से मनाया जाता है। और उसमें पांच प्रकार की पंजीरी होती है और चरणामृत होता है, विविध प्रकार के फल होते हैं और मिष्ठान होते हैं, और ये सब का भोग लगता है और भक्तों को वितरण किया जाता है। तो ये वैसे माना जाता है जैसे कहा जाता है कि जग में सुंदर हैं तो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम, हमारे भगवान कृष्ण और हमारे भगवान श्री राम दोनों जगह है, मथुरा और अयोध्या में जन्म लिए, अयोध्या में राम और मथुरा में भगवान कृष्ण। तो वहां भी जिस प्रकार से रामनवमी मनाई जाती है मथुरा में भी, उसी प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ अयोध्या में मनाई जाती है, इसलिए दोनों का साथ साथ संबंध है। और साथ साथ ये दोनों ही महापुरुष धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए आए हैं, इसलिए हमारे जितने सनातनी हैं वह सब के सब भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव और भगवान राम की जन्मोत्सव मनाते हैं। तो इस वर्ष दो प्रकार की है, दो दिन पड़ेगा, 26-27 दोनों दिन भव्य दीप मनाए जाएंगे। और यहाँ तो बहुत लोग अपने घर में, मंदिर में तो मनाए जाते हैं, अपने घर में भी कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो इस तरह से भव्यता दिव्यता के साथ संपन्न होगा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, बहुत ही आनंद लेंगे भक्तगण, और उनको विधि विधान से जो पूजा होगी, जो प्रसाद उनको अर्पित किया जाएगा, वही प्रसाद वितरण किया जाएगा। जो भी दर्शनार्थी और भगवान कृष्ण के भक्त यहाँ उपस्थित होंगे,